पानीपत से यह खबर सामने आई है कि पानीपत से कोरोना का एक नया केस सामने आया है और पानीपत में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या फिलहाल 4 हो गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अब तक पानीपत में कोरोना के 18 मामले नेगेटिव आए हैं और 4 मामले जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या 4 हो चुकी है और 18 कुल मामले सामने आए हैं जो कि नेगेटिव साबित हुए हैं। पानीपत से एक और कोरोना का नया केस सामने आया है, तो देखिए कोरोना वायरस का संक्रमण अब लगातार गांव देहात की ओर भी फैल रहा है। लेकिन सोचिए कि ये संक्रमण गांव देहात में अगर फैलता है तो स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी, कितनी चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में भी फैल रहा है और अगर देश की बात करें तो कोरोना में देश में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 649 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं, पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है 649 मामलों की। 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के कुल मिलाकर 649 से ज्यादा केस भी सामने आए हैं। और देखिए प्रदेश की अगर बात कर ले तो प्रदेश सरकार भी लगातार सतर्क नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस का संक्रमण गांव देहात की ओर बढ़ रहा है, गांव की ओर बढ़ रहा है, छोटे शहरों की ओर बढ़ रहा है। महानगरों में तो कोरोना वायरस के मरीज थे ही, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति तो थे ही, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन अब देखिए खबरें छोटे शहरों से भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। पानीपत से आपको खबर बता रहे हैं जहां से कोरोना का नया केस सामने आया है और कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या यहां पर 4 हो गई है और अब तक पानीपत में कोरोना के 18 मामले सामने आए जो कि नेगेटिव पाए गए हैं और 4 मामले आए हैं जो कि पॉजिटिव साबित हुए हैं। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लगातार कोरोना से जुड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, तमाम अपडेट्स जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग अवेयर हो सकें और अपने आसपास आप देख सकें क्या स्थिति है।